भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का तो स्कीम इन्होंने निकाला है, इलेक्टोरल बॉन्डों ने दुनिया भर का चंदा इकट्ठा करके अपनी पार्टी को दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना दी। कि वोट लेने के समय नेता जानता है कि धर्म की बात करेगा उसको वोट मिल जाएगा, मैं धर्म की बात उठा दूंगा वोट तो मुझे मिलने ही मिलने हैं, तो फिर मैं काम क्यों करूं। कि आज देश की पूरी मीडिया बड़े बड़े खरबपतियों की है, ये वो मिट्टी है इस देश की जिसमें मेरा परिवार का खून मिला हुआ है, जिसके लिए हम आज लड़ रहे हैं। क्योंकि आज देश का जो गरीब है, देश का जो किसान है, उसको एकदम नकारा जा रहा है। जितनी भी नीतियां 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बन रही हैं, वो किसी गरीब के बारे में सोचते हुए या उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए नहीं बन रही है, वो बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही है। और आज ये सच्चाई है कि देश का किसान पिस रहा है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, धरती को सींचता है अपने पसीने से, लेकिन उसकी मेहनत की कमाई उसके लिए पूरी नहीं हो रही है। आज आप जॉब करते हैं या कहीं पे आपकी नौकरी मजदूरी लग जाती है किसी की, किसी गरीब की, तो जितना भी कोशिश करे, जितनी भी मेहनत करे, काफी कमा नहीं पा रहा है कि उसका जीवन सुविधापूर्ण और अच्छी तरह से बीते, चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे आगे जाके रोजगार ढूंढना हो, कुछ भी हो, आगे बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। और सब इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई समर्थन नहीं आ रहा है। सरकार की नीति यह है कि लो 5 किलो का राशन ले लो और हम आपको बड़े बड़े इवेंट दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि सब अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो रही है, ये आपको बताएंगे, आपके जीवन में ये सच्चाई नहीं दिख रही है। जितने भी ऐसे संस्थान थे जो लोकतंत्र को मजबूत बनाते थे, उन सब को कमजोर किया हुआ है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। चाहे आप मीडिया को लें, चाहे आप कोर्ट्स को लें, न्यायपालिकाओं को लें, सबको पूरी कोशिश रही है कि इनको कमजोर किया जाए। चाहे आप संसद को लें, ये पूरी कोशिश रही है कि संसद की मजबूती भी कम की जाए, क्योंकि इनकी ये नीति है और इनकी ये इच्छा है कि जनता के जो अधिकार हैं वो कमजोर रहे और इनकी जो सत्ता है वो बढ़ते जाए। ये एकदम हमारे लोकतंत्र के जो असूल हैं उसके विपरीत है। आज देश में जो हो रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूं आप बहुत सक्षम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, पूरी तरह से आप जानकार हैं, आप समझते हैं कि देश में क्या क्या हो रहा है, राजनीतिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी। आप देख रहे हैं कि नफरत फैलाई जा रही है, आतंक भी फैलाया जाता है इनके उम्मीदवारों से। आप यहाँ रायबरेली में आपने खुद देखा है कि चुनाव आता है तो डर भय फैलाया जाता है, और चुनाव के समय भी, अगर चुनाव के समय नहीं तो बाकी समय के लिए भी ये परिस्थितियां रहती हैं आपकी, कि आपको दबाने की कोशिश होती है, आपका शोषण किया जाता है। तो ये वो राजनीति नहीं थी जिसकी नींव महात्मा गांधी जी ने डाली। महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो आंदोलन किया वो इसलिए किया था ताकि जनता के अधिकार मजबूत हो। शायद वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन एक ऐसी सरकार आएगी इस देश में जो उन्हीं को देशद्रोही कह के ये कहेगी कि अगर हमें 400 सीट दे दो हम संविधान को बदलना नहीं है। वो सोच भी नहीं सकते थे शायद कि ऐसी स्थिति देश में कभी आएगी कि देश के प्रधानमंत्री जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस तरह की बातें कर रहे हैं चुनाव के समय, वो अपना अपने पद का स्तर इतना गिरा देंगे कि अपने पद की गरिमा के बारे में सोचेंगे ही नहीं, कि अपने पद की अहमियत के बारे में का आदर भी नहीं करेंगे। और शायद वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि एक ऐसा दिन आएगा जब हमारी जनता की को कमजोर करने की कोशिश सरकार करेगी। हमारे देश की, हमारे धर्म की परंपरा रही है, किसी भी गुरु की सीख आप देख लीजिए, हिंदू, पूरे हिंदू धर्म में
कल्याण सिंह जी, सिख धर्म में भी, सब धर्मों में कि जो भी परंपरा रही है, जो भी हमें सिखाया गया है, वह यही सिखाया गया है कि सेवा का धर्म होना चाहिए, सत्य के पथ पे चलना चाहिए, और देश में जनता जो है, जो गरीब है, जो किसान है, जिसके पास कम है, जो कमजोर है, वही सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन देखिए, आज देश में परिस्थितियां ठीक नहीं है। आज जनता की मांग है, महंगाई कम करो, रोजगार दिलवाओ, हमारा भविष्य मजबूत करो, और सरकार की बातें हैं कि हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। लोगों को ये कहने की कोशिश करेंगे कि कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके भैंस चुराएगी, आपके गहने चुराएंगे, भय फैलाने वाली बात, जिसको आप अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि आपने बार बार अपने क्षेत्र में ये देखा है कि किस तरह से गांव गांव में जाके झूठ फैलाए जाते हैं, भय फैलाया जाता है, और ये कोशिश होती है कि जज्बातों के आधार पर, भय के आधार पर जनता वोट दे दे। और यही जो सिलसिला है, इसने हमारे लोकतंत्र को कमजोर किया है। आज अगर ये लोग चुनाव के मंच पर आकर पाकिस्तान की बात पर आंच आने वाली है या आपको घबराने की जरूरत है, तो आप समझते हैं कि ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे आपके जज्बात उभरेंगे और इनको वोट मिलेंगे, और एक बार इनको वोट मिल जाता है, इनको सत्ता मिल जाती है, तो आपने खुद अनुभव किया है कि 10 सालों में आपके लिए क्या नहीं किया है, क्या किया है इन्होंने, कुछ नहीं किया। जो जो प्रोजेक्ट ये दिखा रहे हैं अपने इश्तिहारों में, ज्यादातर वो प्रोजेक्ट कांग्रेस के जमाने में पास हुए, तब शुरू हुए, अब जाके बन रहे हैं। परिवारवाद की बात करते हैं, जितने भी लोग ये कहते थे कि परिवारवाद परिवारवाद, अब इनकी पार्टी में देखिए, तमाम बेटे बेटियां, चाची चाचियां, सब इनकी पार्टी में इकट्ठे हो रहे हैं। फिर परिवारवाद की बात कहां गई? भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का तो स्कीम इन्होंने निकाला है, इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कीम। इन्होंने तो इसको एक स्कीम बना दी, स्कीम बना दी कि जो भी चंदा देगा भाजपा को, उसका नाम गुप्त रहेगा। जब नाम बाहर आए तो इनकी बदौलत बाहर नहीं आए। बाहर आए इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस लगा और न्यायाधीशों ने बोला कि बाहर निकालो लिस्ट, अब सूची देखिए। और ये सब बातें आपको समझानी चाहिए लोगों को, किस किस से चंदा लिया है, जिसने गुजरात में वो पुल बनाया, जो पुल गिर गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जिंदगी गई, उस पुल बनाने वाली कंपनी से चंदा लिया, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 52 करोड़ रुपए चंदा लिया, जिसको धमकाया था, जिसपे छापे लगाए थे, उनसे चंदा लिया, छापे बंद, जिसपे केस लगाए थे, चंदा लिया, केस बंद या ठंडे बस्ते में। और इसका नतीजा क्या हुआ कि भाजपा दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी। वो आपकी भावनाएं कैसे समझ पाएंगे? आपने हमेशा जो काम किया है, एक भी पैसा लेने के बिना किया है। आपको वेतन नहीं मिलता, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, आप जन सेवा करते हो, सेवा की भावना से करते हो। उन्होंने दुनिया भर का चंदा इकट्ठा करके अपनी पार्टी को दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना दी, और वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है, कांग्रेस के खाते बंद कर देते हैं चुनाव के समय, दो दो सीएम को जेल में डाल देते हैं चुनाव के समय। ये सब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ सत्ता में रहने के लिए। इनकी बड़े बड़े खरबपतियों के साथ सांठ गांठ है। 16 लाख करोड़ रुपए उनको माफ किए हैं, जो हमारा किसान 10,000 रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि वो कर्ज चुका नहीं पा रहा है, अपनी बेटी की शादी करा नहीं पा रहा है, उसके लिए एक पैसा माफ नहीं। आज ये है परिस्थिति और सच्चाई इस सरकार की। आप टीवी चलाएंगे तो आपको ये सच्चाई नहीं दिखेगी, आप टीवी चलाएंगे तो आपको सब सुनहरा दिखेगा, आपको दिखेगा कि देश आगे बढ़ रहा है, G20 हो रहा है, राष्ट्रपति
और प्रधानमंत्री अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों की प्रशंसा कर रहे हैं। आपको बताया जाता है कि मोदी जी इतने बड़े नेता बन गए हैं कि वो चुटकी भर में युद्ध रोक सकते हैं पूरी दुनिया में। बहुत बढ़िया, रोकिए फिर युद्ध, रोकिए, लेकिन उसके साथ साथ एक आध रोजगार भी तो दिलवा दीजिए। देश में इतनी सत्ता है, इतने बड़े नेता हो, 10 साल से तुम्हारी सरकार है, जो किया है उसके बारे में तो बताइए जनता को। लेकिन जनता का इस कदर निरादर हो रहा है आज हमारे देश में कि नेता समझ गए हैं कि उनको जनता को कोई के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, उनकी जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। एक बात मेरे मन में बैठ गई जब मैं यहाँ 22 में चुनाव के लिए काम कर रही थी, बघेल जी आए थे और मैंने कहा था उनके लिए एक हमने आयोजित किया था एक प्रोग्राम जिसमें वो बिजनेस के लोगों से वो उनकी बातचीत हो रही थी। तो उसके बाद जब बघेल जी आया और मैंने पूछा कि भाई कैसा रहा प्रोग्राम, तो बताने लग गए कि दीदी यहाँ एक बड़ी अजीब परिस्थिति है। मैंने कहा क्या, कहते सवाल नहीं पूछते ज्यादा, थोड़े डरे हुए हैं लोग। तो मैंने कहा आपको क्या लगता है क्यों, कहते दबाव रहता होगा, सरकार का दबाव रहता होगा। फिर उन्होंने एक बात कही, कहा कि दीदी हमारे छत्तीसगढ़ में तो एकदम अलग है। मैंने कहा क्यों, कहते देखिए हमारा जब ध्यान काम पे रहता है ना तो जनता हमको कुछ भी पूछ सकती है, हमें मालूम है कि हमें काम के आधार पर वोट लेना है, तो हमारी जवाबदेही जनता के प्रति रहती है। यहाँ पे क्या परिस्थिति है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे कि वोट लेने के समय नेता जानता है कि धर्म की बात करेगा उसको वोट मिल जाएगा, तो एक तरह से उसने अपनी जवाबदेही खत्म कर दी है, क्योंकि अब वो जान गया है कि चुनाव के समय मैं जज्बातों की बात कर दूंगा, मैं धर्म की बात उठा दूंगा, वोट तो मुझे मिलने ही मिलने हैं, तो फिर मैं काम क्यों करूं। तो ये भावना जब किसी ऐसे व्यक्ति के दिल में आ जाती है जिसके पास इतनी सारी सत्ता है कि भाई मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है, बगैर काम किए धर्म की बात करके या बड़े बड़े सपने दिखा के या बड़े बड़े झूठे वादे करके ही मुझे वोट मिल जाएंगे, तो काम करना बंद कर देता है जो सही काम है। और उसका ध्यान कहाँ जाता है, अपनी सत्ता के प्रति, किस तरह से अपनी पार्टी के लिए धन इकट्ठा किया जाए, किस तरह अपने खरबपति मित्रों को मजबूत बनाया जाए। और साठ गांठ की बारे में मैंने क्यों बात की, क्योंकि आज देश की पूरी मीडिया बड़े बड़े खरबपतियों की है, जो पैसे जो धन भाजपा ने इकट्ठे किए हैं किसके पैसे हैं, कहां से आया है वो धन, जो 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए हैं इन खरबपतियों को, वो किसका धन है, देश का धन है, मोदी जी का धन नहीं है, वो देश का धन है, वो आपकी संपत्ति है। ये समझाना जरूरी है कि अगर संविधान बदलेगा इसका मतलब क्या है, क्या आपका वोट कल को आपको नहीं मिलेगा, क्या आरक्षण कम हो जाएंगे, क्या जो आपके अधिकार हैं, जैसे कांग्रेस ने आपको भोजन का अधिकार दिया जनता को, शिक्षा का अधिकार दिया, इनका क्या होगा अगर संविधान बदलेगा। ये सब बातें समझानी बहुत जरूरी है। तो ये वो मिट्टी है, ये वो मिट्टी है इस देश की जिसमें मेरा परिवार का खून मिला हुआ है, जिसके लिए हम आज लड़ रहे हैं, जिसके लिए आपके पूर्वजों ने जान दी है, आपके पूर्वजों ने पसीना और खून बहाया है, ये वो मिट्टी है। ये इस देश की सबसे पवित्र मिट्टी है हमारे लिए।